दीक्षाभूमि में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर भले ही धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन श्रद्धालु के लिए दर्शन पट खुले हुए हैं। पुलिस का अनुमान है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दीक्षाभूमि में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसी के चलते दीक्षाभूमि में पुलिस और दीक्षाभूमि प्रशासन की ओर से किस तरह की तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता ने। आइए देखते हैं। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस बौद्ध धर्म के सभी अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। हर साल 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म को अपनाए जाने का प्रतीक है। इस दिन के चलते दीक्षा भूमि पर बड़े पैमाने पर भीड़ दिखाई देती है, जिसके चलते दीक्षा भूमि पर करीब 2500 पुलिस अधिकारी कर्मचारी SRPF की टुकड़ी को तैनात किया जाएगा। 18 वर्ष से नीचे और 65 वर्ष से ऊपर के वाले व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दीक्षा भूमि के दो दरवाजों से प्रवेश और अन्य दो दरवाजों से बाहर जाने का मार्ग रखा गया है। भीड़ का नियंत्रण करने के लिए 3 लेयर में पुलिस की सुरक्षा रहेगी। इस संदर्भ में दीक्षा भूमि के ट्रस्टी विलास कचघाटे ने अधिक जानकारी साझा की। नागपुर शहर की इस नाग भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को, जिसमें बौद्ध धर्म ही नहीं अन्य धर्मीय भी कुछ लोग थे, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। और उस दिन से लेके अशोका विजयादशमी के दिन प्रदान की थी। वो उसी अशोका विजयादशमी के पावन पर्व को ध्यान में रखते हुए जिस महाराष्ट्र राज्य के नहीं, देश के नहीं तो विभिन्न राज्यों के, देशों के, विभिन्न देशों के लोग 1957 से लेकर आज तक लगातार इस पवित्र भूमि पर आके बाबा साहब के मानवता के विचार और बाबा साहब की ऊर्जा और अपना स्वाभिमान के विचार यहाँ से ले जाते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना का प्रादुर्भाव इस देश में बढ़ता रहा है, दुनिया में बढ़ता रहा है। उस प्रादुर्भाव को देखते हुए यहाँ पे आने वाले अनुयायियों की संख्या 2 दिन में धम्मचक्र परिवर्तन के दिन के 25 से 30 लाख, ये सरकारी आंकड़ा है और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी या फिर यूं कहे कि संपूर्ण देश के लिए धम्मचक्र प्रवर्तन दिन एक महत्वपूर्ण दिन साबित होता है। हमेशा ही इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर दीक्षा भूमि में खासा भीड़ देखी जाती है। हालांकि कोरोना के नियमों के चलते इस बार प्रशासन ने जितने भी दीक्षा भूमि में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उन पर पाबंदी लगाई है। हालांकि इसमें जितने भी भक्त है, जितने भी अनुयायी है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, वो आ सकते हैं, लेकिन इसमें भी पुलिस का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं 2500 पुलिस कर्मी इस जगह पर दीक्षा भूमि पर उनका बंदोबस्त रहेगा, CCTV की निगरानी रहेगी, साथ ही जो दीक्षा भूमि प्रशासन है उनकी तरफ से भी खासा तैयारी की गई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं भीड़ ना जुटे और कोरोना नियम जो है उनका कहीं भी उल्लंघन ना हो। इसी के चलते BCN भी सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी है उनसे यही गुजारिश करता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाए जरूर, लेकिन कोरोना के नियमों का सभी तरीके से पालन करके। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।